नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, जो कि इंडिया का जो लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है दोस्तों, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो है कंट्रोलिंग का काम करता है। और इसके रिजर्व की बात करें तो इसके पास रिजर्व है 491 करोड़ के, और इसने जो कर्ज की बात करें तो कर्ज 14,000 से कम करके 12,000 करोड़ का इस पर कर्ज है दोस्तों। और दूसरी हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर ने जो होल्डिंग है वो इंक्रीज की है 29% से 36% पर, जो कि करीब करीब 7% की इसने इंक्रीज की है दोस्तों। 3 सालों का CAGR देखें तो 3 साल का CAGR है दोस्तों 58%। हम मान के चलते हैं इसका जो CAGR है वो करीब 40 के CAGR से ग्रोथ करता है दोस्तों। हम एक बार इसमें अमाउंट डाल देंगे 10,000 रुपये लमसम, और देखते हैं कंपाउंड कैलकुलेटर से हमारा पैसा 10-20 सालों में कितना बनता है दोस्तों। हम बात करें इसका जो रिटर्न की बात करें तो 3 सालों का 58 है, मान के चलते हैं ये कंपनी 40% के CAGR से ग्रोथ करेगी, तो हम देख लेते हैं कि 10 सालों में जो रिटर्न है वो कितना देगी ये कंपनी। तो ये जो कंपनी है दोस्तों वो रिटर्न है, थोड़ा नेट स्लो है सॉरी, तो जो रिटर्न है 289,000 रुपये का जो है रिटर्न देगी 10 सालों के बाद, यदि आपने 10,000 की राशि एक बार लगा दी तो। अब हम इसी में 15 साल की बात करें तो 15 साल में जो है वो आपकी राशि बन जाएगी दोस्तों 1,556,000 रुपये, जो कि एक बार लमसम डालने पे 10,000 रुपये एक बार लगाने के बाद। अब एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न हमने माना है 40%, क्योंकि ये अभी 3 साल का जो रिटर्न है CAGR है वो 58% का है, हमने उससे काफ़ी कम माना है, करीब करीब 18% कम माना है, कम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं क्या हो, और क्या पता ये कंपनी थोड़ा स्लो ग्रोथ हो, और हमने इसीलिए इसका जो CAGR है वो कम लिया दोस्तों। जब स्टार्टिंग में देखोगे दोस्तों तो आपका जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और लास्ट के जो अंतिम सालों में है 12-13-14-15 में वो आप जो आपका पैसा वो काफ़ी अच्छे स्पीड के साथ ग्रो करेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 20 सालों के लिए यदि इसमें हम होल्डिंग करते हैं तो जो हमारा पैसा वो कितना बनेगा, तो 20 सालों में हमारा पैसा बनेगा दोस्तों 83 लाख, जो जिसमें से 10,000 रुपये हमारे हैं और 83 लाख रुपये ये शेयर हमें कमा करके देगा दोस्तों। यदि हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल मैं आपको बता दूं कि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, ये लगभग डेट फ्री है, कर्ज मुक्त होने वाला है, मान सकते हो इसको। और क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली इसके जो रिजल्ट है वो अच्छे आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 46% के रिटर्न ऑन इक्विटी है, और इसका जो डिविडेंड है वो 32% का ये डिविडेंड देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 16% के इसके सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं लास्ट 10 सालों से। और इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये जो स्टॉक है वो 36 टाइम है बुक वैल्यू के। और इसके यदि क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट देखते हैं, जो मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट, हम देखें जून 2020 की तो 43 करोड़ की इसने प्रॉफिट कमाए थे, सितंबर 2020 की 47 करोड़ के, दिसंबर 2020 में 60 करोड़ के, फिर 64 करोड़ के, फिर अभी जो जून 2021 की बात करें तो 64 करोड़ के इसने जो है प्रॉफिट कमाए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि जो मायने रखता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इसके रिजल्ट आ रहे वो, तो हम देख लेते हैं 2018 में जो इसके प्रॉफिट थे वो 132 करोड़ के थे, 2019 में 165 करोड़ के थे, 2020 में 178 करोड़ के इसके जो रिटर्न थे, और 2021 की बात करें तो 213 करोड़ के इसके रिटर्न थे, और अभी तक टिल डेट तक की बात करें तो 234 करोड़ के इसने प्रॉफिट जो है अर्न कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके CAGR की, तो एक साल की जो CAGR है 226% की, और 3 साल की जो इसके CAGR है वो है 58% की दोस्तों। अब हम इसके ऊपर कर्ज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कर्ज जो है दोस्तों वो मार्च 2018 में 0% का था, 2019 में भी 0%, मार्च 2020 में इसने अपने जो है 14 करोड़ के जो है इसने जो कर्ज ले लिया है, और 2021 की बात करें तो 2 करोड़ के इसने कर्ज को कम कर लिया है, और जो कि हो चुका है 12 करोड़ के आसपास का कर्ज। अब हम रिजर्व की बात करें तो इसके जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो 2018 में 249 करोड़ के थे, 2019 में
334 करोड़ के, 2020 में 352 के और 2021 में 491 करोड़ के रिजर्व थे। तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा दम है, रिजर्व इसके लगातार बढ़ रहे हैं, बोरोइंग भी कम हुई है क्वार्टरली, और आगे ये कर्ज इसके ऊपर कर्ज एक रुपये का भी नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास बोरोइंग है अच्छी खासी, इस मतलब इसके पास अच्छे खासे रिजर्व है 691 करोड़ के, तो 12 करोड़ क्या मायने रखते हैं, ये कभी भी कर्ज मुक्त हो सकता है दोस्तों। यदि हम होल्डिंग की बात करें तो FII और DII की होल्डिंग की बात करें वो भी बता देता हूँ। इसके बाद मैं बता दूँ आपको FII इसमें लगातार जो अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। DII की बात करें तो DII ने अपना जो होल्डिंग है वो कम किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और प्रमोटर की इसमें एंट्री नहीं है। जब इसमें प्रमोटर की एंट्री होगी तो ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करने वाला है दोस्तों, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और हम रिटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसने ऑल टाइम तक कितने रिटर्न दिए। जब इसकी लिस्टिंग हुई थी 27 अक्टूबर 2017 को तो 156 रुपये के आसपास ये स्टॉक था, जो कि आज 640 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक होते हुए दिखाई दे रहा है, और 308% के इसने रिटर्न दिए दोस्तों। इसमें एंट्री करना चाहते हो आप तो 1% आप अपने पोर्टफोलियो का इसको दे सकते हैं दोस्तों, और ये स्मॉल कैप होने के वजह से इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा दोस्तों, तो एंट्री आप सोच समझ के लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।